नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों ANM GNM भर्ती 2018 राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 का ये बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है। पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ANM GNM भर्ती 2018 दोस्तों, संविदा कर्मी जो नर्सेज हैं, चाहे यूटीपी हों चाहे अदर माध्यम के संविदा कर्मी नर्सेज हों, उनका प्रोबेशन 29 अप्रैल से माना जाएगा। 3674 जो अभ्यर्थी हैं जिनका पीओपी में नाम नहीं आया था कोर्ट रीजन की वजह से या कोई भी कारण रहा हो, उस पर मत जाइएगा। तो 3674 जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से होल्ड कौन होगा, किसको होल्ड किया जाएगा अभी भी, तो सारी जानकारी प्रमाण के साथ। और ये जो जानकारी है दोस्तों, कमलेश जी गुजर नर्सिंग ऑफिसर जेके लॉन अस्पताल जयपुर, इनके द्वारा दी गई है। कमलेश जी गुर्जर के द्वारा मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एकमात्र ऐसी शख्सियत जिन्होंने बार बार काफ़ी बार नर्सिंग भर्ती 2018 को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें उपलब्ध करवाई हैं। इसके लिए आपका अपना चैनल RNS एजुकेशन न्यूज कमलेश जी गुर्जर को बारम्बार धन्यवाद ज्ञापित करता है। अब जो जानकारी है दोस्तों, संविदा कर्मी नर्सेज का प्रोबेशन 3674 को पोस्टिंग, और 3674 में से होल्ड कौन होगा, तीन बड़े पॉइंट हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तीनों ही समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज कल रात की जानकारी है, आपसे बहुत से लोगों ने देख भी ली होगी, लेकिन सस्पेंस बना रहता है जब तक हमारा वीडियो आप लोगों को ना मिले। विभाग से मिली सटीक जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल 2020 को निकली पदस्थापन सूची में से जिन संविदा कर्मियों को COVID-19 के कारण नियुक्ति नहीं दी थी और 5 अगस्त को यथास्थान का आदेश निकालते हुए नियुक्ति कराई गई है, उन सभी देखिए यहाँ पर संविदा कर्मियों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा रही है। नोशनल लाभ देते हुए 29 अप्रैल 2020 से परिवीक्षक काल शुरू करने हेतु निर्णय ले लिया गया है। यानी कि दोस्तों, नोशनल जो लाभ है उसको देते हुए और 29 अप्रैल 2020 से, यानी कि जो संविदा कर्मी 29 अप्रैल तक या उसके बाद तक अभी तक कार्य कर रहे हैं, तो 29 अप्रैल को जो संविदा कर्मी जिनका 18 में चयन हो चुका था उनको 29 अप्रैल से ज्वाइनिंग मानी जाएगी। पहली चीज़ ये यहाँ पर है। और नोट सीट चला दी गई है, सितंबर माह में इसके आदेश जारी हो जाएंगे। यानी कि 29 अप्रैल से ही जो अभ्यर्थी हैं संविदा कर्मी हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं नर्सेज भर्ती के, उन सभी को 29 अप्रैल से नॉशनल लाभ देते हुए परिवीक्षा काल यानी कि जो प्रोबेशन जो पीरियड है 2 इयर्स का होता है, उसका लाभ यहां से मिलेगा। अब दोस्तों, 12,000 टोटल कैंडिडेट्स इस भर्ती के थे, ANM और GNM को हम प्लस काउंट करते हैं, तो 9,000 में से 87 लोग कम थे, उनको यहां पर पोस्टिंग दे दी गई थी। अब 3674 कैंडिडेट हैं बचे हुए हैं, उनके लिए अपडेट है कि 3674 पर भी सरकार के मंत्री और अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हो जाने के बाद निर्णय कर लिया गया है। यानी कि आपने दोस्तों 2 दिन पहले रघु शर्मा जी को भी सुना होगा वीडियो के अंतर्गत कि वो कह रहे थे कि 2 से 2,500 कैंडिडेट्स को और पोस्टिंग देंगे। तो दोस्तों, इसमें से अब होल्ड कौन होगा, तो ANM की 1,080 और GNM की 95 सीट रिजर्व रखी जाएंगी। तो ANM की 1,080 में से दोस्तों जामिया बिल्कुल होल्ड पे जाएंगी और GNM की 95 सीटें हैं, तो जामिया 800 प्लस के आसपास लड़कियां हैं वो भी होल्ड फिलहाल पे रहेंगी और GNM की 95। अब दोस्तों, जो इनकी पदस्थापन सूची जारी कर दी जाएगी, बाकी सबकी फाइल निदेशालय से ACS साहब के पास भेज दी गई है। सबकी जो फाइल है जिनको पोस्टिंग अब मिलनी है उनकी फाइल को ACS साहब के पास भेज दिया गया है और आज दिनांक को फाइल मंत्री महोदय के पास है, जल्दी ही फाइल को अप्रूवल करके ACS साहब को वापस भेज दी जाएगी। तो दोस्तों, मंत्री महोदय के पास जो है वो फाइल पहुंच चुकी है, उनका अप्रूवल मिलेगा, यानी कि वो वहां से उस फाइल पे सिग्नेचर करेंगे, उसको हरी झंडी देंगे, उसके पास वापस फाइल ACS साहब के पास आएगी। एक विभागीय प्रोसेस है इन चीज़ों का, जो विभागीय काम होते हैं उनका, और उसके बाद दोस्तों आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो जो भी PH हैं, डाइवोर्स हैं, विडो हैं, फ्रेशर हैं, जल्दी ही सबको खुशखबरी मिलेगी। और ये बड़ा अपडेट है और इसके लिए मैं बड़ा
धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कमलेश सिंह गुर्जर का, जो नर्सिंग ऑफिसर है जेके लॉन। और ये कल के उनकी तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी। स्वास्थ्य भवन भी पहुँचे थे, सचिवालय भी पहुँचे थे, और देखिए डॉक्टर रघु शर्मा के बंगले पर भी पहुँचे थे जहाँ उनका निवास है। आपके सामने नेम प्लेट दिख रही होगी आप लोगों को, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इनके साथ ये विक्रम जी हैं, इनके साथ ही ये लोग पहुँचे थे और इन्होंने ये जानकारी जुटाई है और आप लोगों तक पहुंचाई है। इस वीडियो में सारी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। स्पोर्ट्स पर्सन को भी दोस्तों पोस्टिंग यहाँ पे मिलने वाली है। और 1080 ANM में से जो जामिया हैं, प्लस जिनके पर्टिकुलर जो केसेज हैं, जिनके केस लगे हुए हैं, उनको रोका जाएगा। और GNM में भी इस तरीके से 95 सीटें हैं, और उनमें से भी जिनके केस हैं भाई, जिन्होंने केस लगा रखा हाई कोर्ट में, काफ़ी सारे रिट लगी पड़ी हैं इस भर्ती पर, तो उनमें से 95 GNM के रुक जाएंगी, 1080 दोस्तों यहां पर ANM के रुक जाएंगी। कैलकुलेट आप कर सकते हैं इन सबको जोड़ करके, तो 2500 के आसपास कैंडिडेट्स बचते हैं जिनको यहां पर पोस्टिंग मिल जाएगी। और वो पोस्टिंग भी दोस्तों बहुत जल्द मिल जाएगी। आप यूँ मान के चलिए 10 से 12 सितंबर से पहले पहले आप लोगों को, जिन जो 2500 कैंडिडेट्स हैं उन सबको पोस्टिंग मिल जाएगी। बड़ा अपडेट यही है दोस्तों, बार बार आप लोग हमें मैसेज करते थे, और उसका परिणाम ये है कमलेश जी गुर्जर ने कल रात को ये जानकारी प्रेषित की है। आप लोगों ने देख भी ली होगी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के कॉल रात को, जैसे मैंने पोस्ट किया हमारे पेज पर, जो फेसबुक पेज है दोस्तों उसको भी आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। RNS एजुकेशन के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, सर्च कर लीजिएगा आप तो आपको मिल जाएगा। उसको आप दोस्तों लाइक कर दें, फॉलो करें उस पेज को, वहाँ पर भी आपको नित नई जानकारी दी जाती है शिक्षा विभाग से रिलेटेड, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और तमाम अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएँ, आप लोगों को बहुत सारा प्यार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और कमलेश जी गुर्जर का मैं पुनः आभारी हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल करके वंचित 3674 अभ्यर्थियों के बारे में सोचा है, उनके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और दोस्तों जय हिंद जय भारत।